अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनस्पोकन पॉडकास्ट सो जो आज की हमारी गेस्ट हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू सम अप हर वो अल्बर्ट ग्रीन ने एक बार कहा था टू अवॉइड क्रिटिसिज्म डू नथिंग बी नथिंग एंड से नथिंग बट शी इज़ समथिंग सो शी डजन केयर अबाउट क्रिटिसिज्म तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है वो बहुत आउटस्पोकन है शी नोज़ हाउ टू यूज़ ह्यूमर फॉर द क्रिटिसिज्म लेकिन इन सब से बढ़कर वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं तो आज हमारे साथ हैं इफ़त उमर बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन अच्छा मैम मैं पूछना ये चाहता था कि आपने बड़ी पर बताया अर्ली लाइफ का हर चीज़ों का लेकिन एक थोड़ा सा एक फिलोसफिकल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया एक्टिंग के लिए जिसने रॉबर्ट डे ने एक बार कहा था ना कि टैलेंट लाइज इन द चॉइसेस uh, 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 मेरी uh, जो है उम्र बहुत छोटी थी जब मैं शोबिस में आ गई थी मतलब उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि मैंने बनना क्या मैंने सिर्फ मैट्रिक किया था और मैट्रिक की छुट्टियों में मैं मॉडलिंग की ऑफ़र आई और मैंने कर ली और उस ज़माने में आपको पाँच सौ रुपये भी मिल रहे हैं तो आप इतने खुश होते हो सो so, uh, मेरी एस स चॉइस नहीं थी ये मेरी लाइफ का रास्ता बनता गया और मैंने उसे अडाप्ट कर लिया सो इससे पहले क्या मैं ख्वाब देखती कि मैंने क्या बनना है क्योंकि बचपन में तो आप डॉक्टर ही बनना चाहते हो या पायलट बनना चाहते हो या इस तरह की कोई चीज़ होती है अभी मेरा ख्वाब मैंने देखे भी नहीं थे कि दिस केम जैसे कहते हैं ना प्लेट में सो आई फॉलोड वॉट केम इन माई वे बस सिंपल एज़ दैट तो हम इसे कह सकते हैं कि कोई आपकी पर्सनल चॉइस थी एक्सीडेंटल था एक अक्सर तो वैसे अक्सर ही देखा गया है कि जो लोग किसी फील्ड के अंदर एक्सीडेंटल आते हैं वो बड़े कामयाब होते हैं मैं एक्सीडेंटल ही आई हूँ क्योंकि देखिए दुनिया में हर एक को शौक़ होता है मशहूर होने का प्यारा लगने का तस्वीरें खिंचवाने का तो एक पंद्रह सोलह साल की बच्ची के लिए तो बहुत ही फैसिनेटिंग बात थी सो so, uh, मैंने कर ली एंड देन आई मेरी बैकग्राउंड है कि मैं सिंगल पेरेंट प्रोडक्ट हूँ आई लिव विद माई मदर और एक जिसे लोग फैमिनिज्म uh, कहते हैं uh, मैं तो ऑटोमेटिकली एक फेमिनिस्ट माहौल में बड़ी माई मदर वॉज अ वर्किंग वूमन माई आंट्स वर्किंग वूमे पीपल अराउंड मी अम्मी की सहेलियाँ एंड एवरी वन दे वर्किंग वूमे एंड बड़ी uh, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंट और स्लीवलेस साड़ियाँ ब्लाउज सिगरेट भी पी रही हैं और यू you नो know, उस टाइप का Uh, मतलब मैंने तो खुला इस टाइप का माहौल देखा था वे वर इंडिपेंडेंट एंड दे वर ऑन वेरी हाई पोस्ट कोई कहीं की प्रिंसिपल हैं कोई डॉक्टर हैं कोई वकील हैं कोई शायरा हैं वाज द क्राउड आई वाज रेज तो uh, मेरे लिए काम करना किसी खातून का कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी आई hmm. टू मैंने तो काम करना ही था लेकिन वो अर्ली ऑन मेरी लाइफ में चांस आ गया पैसे कमाने का आई और मेरी अम्मी ने भी कोई मुझे ऐसी बात नहीं की सवाए के बेटा पढ़ाई नहीं छोड़े तो उनसे इस वादे के साथ आए कंटिन्यू तो देखते हैं कि नॉर्मली कोई बंदा पूरी दुनिया के अंदर सोशल और पॉलिटिकल इशूज पे खास तौर एक, हो वो जब क्रिटिक करती है किसी को तो एक बैकलैश जरूर आता है। जो हाँ, से नहीं करेंगे, उनका तो, हाँ, तो अगर देखें तो आपने एक अपना स्टैंड लिया कोई कई इश्यूज पे और आपको बैकलैश भी आया बहुत। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ किस तरह आप मतलब इतने बैकलैश के सामने स्टैंड कर लेती थी एंड वाइल रिमेनिंग ट्रू टू योर बिलीफ देखिए इट्स कॉन्सेप्ट के आप इतने अप्रोचेबल अब हो गए हो कि आपकी पोस्ट के नीचे दुनिया में कोई चाहे अपना कमेंट लिख सकता है आपको इनबॉक्स कर देता है तो इससे उससे पहले तो यह नहीं होता था ना कोई आपको खत लिख दिया किसी ने या कुछ कह दिया या कहीं मिले तो उन्होंने कुछ कह दिया तो ये जो अप्रोचेबिलिटी है ये इसकी प्राइस तो पे करनी पड़ेगी एंड आई बिलीव एंड के हर एक अपना ओपिनियन होता है mm -hmm. आप अपने ओपिनियन के साथ चलें लेट मी बी एन एडवोकेट ऑफ माय ओपिनियन ना यू डोंट एग्री मत सुने ना मुझे mm -hmm. आगे चले जाए बट mm -hmm. लोगों को शौक है अभी है। सीखने के मरल बहुत नए नए हैं कि सोशल मीडिया की क्या तमीज़ होनी चाहिए या किस तरह का होना चाहिए ठीक है अगर किसी को गालियाँ देख के ही सुकून मिलता है तो गो हैड मैंने तो अब कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिए मैं सिर्फ देखती हूँ लाइक्स कितने और कमेंट्स कितने कमेंट दो तीन सौ होते हैं और लाइक्स हज़ारों में होते हैं तो बस ठीक है मेरी जो ऑडियंस मुझे देखना चाह रही है सुनना चाह रही है आई एम हैप्पी विद दैट मैडम आपको लगता है कभी सोशल मीडिया पे हम कोई एथिकल वैल्यूज

हम फेमेज़म की जब बात करते हैं पाकिस्तान में या अगर मैं उसको रिफ़ाइन कर लूँ थोड़ा सा तो औरत मार्च की जब बात हम करते हैं हमने देखा है आप वहाँ पे जाती भी हैं जी, जी. बिला वजह यूट्यूबर्स कई टांग भी करते हैं जी मुझे आ, 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 देखा मैंने वो वीडियो आ, खुद भी देखी ले, मैंने हुँ. लेकिन आपको लग कई लोग अब क्रिटिक ये करते हैं कि जी ये औरत मार्च और फेमेजम है ये डिवाइसिव है हमारी वैल्यूज आपकी नज़र में इस चीज को कैसे किया जा सकता है? ये था? लोग जो समझते हैं ना कि ये औरतें मर्द बनना चाहती हैं इट्स नॉट अबाउट मर्द के अपने हॉर्मोन्स हैं hmm. उसकी अपनी फजीक है hmm. उसकी अपनी एक सोच है औरत की अपनी और दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट भी है ठीक exactly. है ना लेकिन मसला ये है हमारे माशरे में कि औरत को मर्द से इक्वल इंसान नहीं समझते

एक लिबरल तबका इसको प्रमोट करता है एक नॉर्मली क्रिटिक करता है रिलीजियस तबका बहुत ज़्यादा आपको भी लगता है ये सारी चीज़ें जो हमारी चले हम रिलीजियस डिस्कशन को साइड पर कर देते हैं जो ट्रेडिशनल पाकिस्तान की वैल्यूज़ हैं उन को क्रॉस करती हैं हमारी पाकिस्तान की वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि पेट्री आखी है hmm. कि मर्द घर का सरदार है वो कमा के लाता है उसकी पूजा की जाए आई अंडरस्टैंड कि मर्द घर आए उसको सुकून चाहिए लेकिन जो औरत घर में कर रही है इज इक्वली वर्किंग बच्चों को बड़ा करना घर को साफ रखना खाना पकाना hmm. मैनेज करना आपके माँ बाप की खिदमत करना इट्स क्वाइट अ जॉब राइट्स hmm. तो सेम होने चाहिए ना अगर आपको सुकून चाहिए तो उसको भी सुकून चाहिए सही. आपको आराम चाहिए तो उसको भी कुछ घंटे आराम चाहिए सही. अगर आप इतना कमाते हैं तो इतना अपने बेगम के साथ भी शेयर करना है इफ वुमन इज नॉट वर्किंग अगर औरत काम करना चाहे तो कोई होता नहीं है उसे रोकने वाला ना बाप रोके ना भाई रोके बिकॉज एडल्ट होने के बाद औरत के अपनी जो ख्वाहिश है उसे पूरा करने का पूरा हक है सही। आपको काम करने वाली खातून नहीं पसंद आप ना उससे शादी करें ठीक है ना अपनी अपनी कमिटमेंट होती है शादी से पहले लेकिन जो करना चाह रही हैं आप उसके खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी घर की खातिन काम करें तो इसलिए वो बेहतर हैं और जो काम के लिए जा रही है वो बुरी है तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है एवरी इन दिस वर्ल्ड आपका पैदाइशी राइट है इंडिपेंडेंस इट कम्स विद योर पेदाइश के आपकी अपना इंडिविजुअल दुनिया में कोई राइट्स है कि नहीं बिल्कुल नहीं सही बहुत सारी खातन है हाँ। जो शादी करके चाहती हैं कि मैं उनका मियाँ करें आई एम वन ऑफ दोज मतलब मैं जो इतनी फेमिनिस्ट हूँ मुझे हुँ, तो खैर फेमिनिज्म में, में मेरी परवरिश ऐसी हुई कि मेरे लिए तो कमाना और अपना ख्याल रखना अपना खर्चा खुद पूरा करना कोई बात ही नहीं है ना मैं तो इस माहौल में बड़ी हुई हूँ तो ये कोई इतना बड़ा एहसान नहीं है मेरे ऊपर इफ़ आई वॉन्ट आई कैन डू इट लेकिन मेरी प्रायोरिटी थी कि जब तक मेरी बेटी 16 साल की ना हो जाए मैं काम कब कर दूँ मैं उसको टाइम ज़्यादा दू बट दैट अगेन एक काम ही है ना आई एम सेक्रीफाइसिंग अ लॉट फॉर दैट तो ये मुझे उस मर्द से कम नहीं कर रहा जो कमा के लाता है mm -hmm. ठीक है मुझे उसका ख्याल प्यार mm -hmm. में जितनी मुझे उससे मोहब्बत होगी मर्द से मैं उतना ख्याल रखूंगी बट mm -hmm. ये नहीं हो सकता कि औरत जा बच्चे भी करे और सुबह नाश्ते भी बनाए mm -hmm. और रात को उठे भी mm -hmm. उसको मतलब आप समझ लें कि दैट्स योजो हॉबी तो हर औरत करती है mm -hmm. नहीं

आपको करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए मर्द को भी करना पड़ता है औरत को भी करना पड़ता है सो so, प्रायोरिटीज होनी चाहिए एंड यू आर इक्वल बस अरे देखें अगर हम तो आपका वैसे नॉर्मल आप बोलती तो हैं सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे हिस्ट्री का नॉलेज भी लगता है अगर मुझे फील आती है कि आपका बड़ा ठीक ठाक है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत हाँ, कभी होता है कि आप ये जो चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं पॉलिटिकली सोशली या हिस्ट्री को अगर पढ़ती हैं आप तो इसने कभी किसी करेक्टर में हेल्प की हो आपकी ऑब्जर्वेशन ने आपका सोशल पॉलिटिकल प्ले करने में कि नहीं आपको लगता है कि एक मेथड एक्टिंग really, हाँ. really. किसी कैरेक्टर ने मेरी हेल्प नहीं की अनफॉर्चुनेटली uh, जब मैंने काम स्टार्ट किया था हुँ. से लेके अब तक जब हुँ. मैंने काम छोड़ बहुत कम रोल्स मेरे हिस्से में ऐसे आए जो कि टिपिकल रोल्स हुँ. नहीं होते जवानी में मेहर बन गई और बस उसके पीछे लड़के लगे हुए हैं और इस टाइप का काम किया हुँ. अब थोड़े से माँ का रोल आया तो माँ के रोल्स में तो कोई काम ही नहीं होता है सो एक्टिंग so, uh, में ना मुझे कभी किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ी है ना रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ी है दो तीन प्लेस जो मेरे जिंदगी के फेवरेट हैं आंगन एक पानो को पहचानो और एक पहचान ये तीन चार प्लेज हैं एक आध फसी बारी का स्क्रिप्ट उसमें यह था कि मैं उनसे रिलेट एज ह्यूमन बींग कर सक रही थी जो मेरे जिंदगी के हालात मैंने देखे ऑब्जर्व किए हैं लेकिन कोई हिस्टोरिकली रिसर्च करके कुछ करने का मुझे मौका नहीं मिला बातों में आपने को बताया प्लेज का जिक्र किया एक्चुअली मैं जब था I was just years old, 97 के अंदर या इस तरह पीटी तो का थोड़ा हमने भी देखा हुआ है okay. लेकिन फिर ट्रांजेक्शन जल्दी हो गई कुछ मैं तो खैर मेरी एक्टिंग का स्टार्ट एन टी एम से हुआ था एन टी एम वॉज अग थिंक इट वॉज नाइनटी वन और नाइनटी टू की बात है हुँ.

अब मतलब पहले जमाने में होता था एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यहां तो प्लेस के थ्रू किया जाता अरे था अरे कहां कंस्ट्रक्टिव पीट, पीट, क्रिटिसिज्म होता पीट था पीटीवी में भी नहीं होता था बुजاؤ लक्क के दौर में आप किस पे क्रिटिसाइज कर सकते सरों पे दुपट्टे लेके आप फौज के लिए ड्रामे बनाते थे आई मीन सॉरी यहाँ का तो मामला ही खराब है उन लोगों के हाथों में हमारा मतलब पीटीवी के शुरू के दिनों में जब शहजाद साहब थे इस तरह के लोग थे उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर नैरेटिव तो आपको पता है किसका मतलब वो मैसेज ये था कि आप बन जाओ मतलब यू आर नॉट मोटिवेटिंग पीपल यू आर जस्ट टेलिंग देम बस फकीर बन जाओ वही जो बानो खुद और इश्ताक अहमद के मैसेजेस थे इशफाक अहमद साहब के मैसेजेस थे सो आई एम अ प्रोग्रेस मेरे में हर को ये जो तो और गरीब को आप ताम ही नहीं दे रहे तो वो आगे कहां से बढ़ेंगे बाकी दुनिया में भी यह बहुत क्लासेसम है मुझे पता है लेकिन जो तरक्याफ्ता मुल्क है थोड़े बहुत वो तालीम तो आपको इक्वल देते हैं ना अगर आपको सेम तालीम मिलेगी जो मुझे भी मिलेगी और मेरे से अमीर को भी मिलेगी वो वाली मतलब प्राइवेट स्कूल्स में जाके आप बाहर जाके असल पढ़े लिखे तो सिर्फ है ठीक है ना हमें क्या मुश्किल से पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लिया ये कर लिया अब मैंने भी अपनी बेटी को बाहर भेजा है पढ़ने के बिकॉज आई नो के यहाँ पे अवेलेबल नहीं हाँ। है वो तालीम चाहे मैं लम्स भेज दूँ जहाँ भी भेज दूँ तो हमारे मुल्क में जितनी भी रूलिंग अलीट रही है ज़्यादातर जो असल अलीट रिंग है आपको भी पता है मुझे भी पता है उन्होंने सुए लोगों को बंदर बनाने के और कोई काम नहीं किया hmm. बस बंदर भी जाओ अपना नैरेटिव दो और hmm. सब अल्लाह अल्लाह करे और जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं कोई अपना हक ना मांगे hmm. सब ये समझे कि हक तो हमें आखिरत के बाद मिलेगा सो आई एम टोटली अगेंस्ट इट आई बिलीव इन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन चले आप इलाज की भी ना दें आप घर की भी ना दें hmm. आप तालीम की तो दे दें ये सारा hmm. पैसा वो सर्कस के लिए जो जहाज सर्कस कर रहा होता है तेईस मार्च को और वो उस पर खर्च करने

या, देखें एक जन में पीटी का रहा था चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ लेकिन आज हम जब देखते हैं तो आज भी तो लोग हर कोई यही कहता है जी कि आज के ड्रामा में स्पायर होने धोने के है क्या ग्लैमर हैज़ द मैसेज ग्लैमर ने देखें जिस जब मैं कह रही हूँ कि जिस कॉम को आपने दिया फिर भी अगर आप देखें ग्लैमर ने ओवरटेकन कर लिया लेकिन फिर भी आउटरीच बढ़ती जा रही है ड्रामास की आप देखें हाँ मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि हमारी पसंद ही मिडियोकर है आपने मिडियोकर जहन बनाए हैं exactly. के हुँ. किसी को क्रिटिकल थिंकिंग का कुछ नहीं है रिलीजॉसिटी इज सो मैं मुझे समझ नहीं आती कि इतने रिलीजस लोग हैं और उनके इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं मतलब yeah. ना वो इधर है ना वो उधर है कुछ अजीब सा एक घचम्चा समझ गया yeah. When I was growing up, yeah. तो रिलीजन वाज अ वेरी प्राइवेट थिंग आपका अपना एक अल्लाह से रिश्ता अपने नबी से रिश्ता और कोई पूछता भी नहीं था तुमने रोज़ा रखा है हाय तुमने नेल पॉलिश लगा के वजू कर लिया हाय तुम्हारा टखना नजर आ रहा है दीज थिंग्स ये इद्दत क्या होती है और नहीं इद्दत नहीं क्या होता है वो बिद्द mm -hmm. बिद्दत की बातें मैंने तो कभी नहीं सुनी थी mm -hmm. अब ये इतनी आम हो गई है कि लोग अब जैसे कहते हैं ना इमोशनल आईक्यू भी लोगों का नहीं रहा वो साफ कहते तुमने बिद्दत कर दी है आई मीन दैट श्रूड एंड यू कॉन्ट चैलेंज बिलीफ जिसका जो बिलीफ है लेट देम लिव विद दैट सो आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी और मैंने रिलीजन से जो सीखा है mm -hmm. कि हकूक का लिबाद mm -hmm. हकूक अल्लाह से ज्यादा जरूरी है mm -hmm. और अल्लाह माफ़ कर देगा अपने हकूक के लिए लेकिन लोगों के हकूक लेने पे आपको माफी नहीं है तो ये इतना हमारे रिलीजन का एक साफ मैसेज है तो आप लोगों से ही बदले ले रहे हो लोगों को ही मार रहे हो उनको ही जज कर रहे हो ये कोई मुल्क है यार वो तमाम कंडीशनिंग जो सेवेंटीज में माहौल था और ऑपरेटीज में आकर ज्याने तो हम कुछ अजीब सा कर दिया नाउ वी हैव अ कंफ्यूज ना यहाँ के है ना वहाँ के मतलब रिलीजन के साथ प्रोग्रेसिव होने में लोग प्रोग्रेसिव होने को गुनाह समझना शुरू कर है टॉलरेंस को गुनाह समझना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। अब देखें पाकिस्तान के तो मुझे अक्सर लगता है आपने चूँकि फिल्म इंडस्ट्री को सॉरी ड्रामा इंडस्ट्री को तो देखा है यू नो द फिल्म इन्वायरमेंट वेरी वेल आपको लगता है अगर पाकिस्तान के इसे इंडिया के अंदर जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स आए हैं नए उसकी वजह से बड़ा रियल टैलेंट सामने आया है हमारी इंडस्ट्री में भी कहा जाता है कि नेपोटिज्म जी बहुत ज़्यादा है पर पर्ची गेम है सारी यहाँ पे लेकिन आपको लगता है कि अगर ओ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे आएँ कोई अच्छी स्टोरीज भी आएंगी कोई नया टैलेंट भी आएगा अच्छी स्टोरीज हम बनाते हैं पूरी दुनिया उनको वाह वाह करती है और यहाँ पे बैन हो जाते है एग्जैक्टली हाँ मतलब आप ये जिंदगी तमाशा हुँ. और वो जो दूसरी फिल्म थी ब्रिलियंट फिल्म और सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान अपने पैसे खर्च करके जाता है और देखता है उसको भी आप कंट्रोल करेंगे आपको प्रॉब्लम है तो आप एज का वो कर दे एटीन सिक्सटीन और अगर आपको प्रॉब्लम है आप ना देखने जाए ना बैन ही कर दो ये बैन कल्चर तो आपको आगे नहीं देखे जाएगा मैम कभी हुआ कि कभी आपको ख्याल आया कोई ऐसी

I'm, मैं इसको बड़ा आराम से कि ठीक है जिसको मेरी ज़रूरत है है जो रोल आया है, अगर मुझे अच्छा लगा कई दफ़ा पैसों के लिए कर लेते थे कई दफ़ा आपको रोल अच्छा लगता था दोस्तों के लिए कर लेते हैं कई दफ़ा दोस्तों के लिए कई दफ़ा टीम बहुत अच्छी होती थी कि उसमें यह एक्टर्स भी है तो चलो मैं भी कर लेती हूँ पर मैंने कभी अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लिया कि मैं धमाके कर ब्रिलियंट अच्छा मैम एक बार आपने की वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे वो मैं क्यों एक था शायद तलत हुसैन साहब का वो okay. तो मैं क्यों गए तो उसमें आपने एक बात की आपने कहा कि आपको आपसे पूछा गया कि आपको कभी किससे मिलने का मौका मिले आप किससे मिलेंगी तो आपने कहा जी मैं मरियम और बिलावल से उस जमाने में हाँ, मैंने कहा कि का, जानने का मौका बीन लॉन्ग टाइम लेकिन मैंने वो उसमें क्वेश्चन मेरा ये था कि ठीक है आपका राइट आप जिसको भी वोट दें जिसके भी हक में बोले प्रॉपर राइट है हमारे पास चूँकि ऑप्शन हैं भी बड़ी कम क्योंकि दी बड़ी गम गई हैं हमें कंट्रोल किया जाता है हमारी ऑप्शंस को भी लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर भी ये डायनेस्टीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज इनको थोड़ा प्रोपोगेट करना मरियम बिलावल को ओवरऑल मरोत के हाथ में बोलना है आ, आ, अगर आपको इतना मसला है तो लॉ बनाए ना कि एक फैमिली से दूसरा कैंडिडेट नहीं आएगा दे आर फ्री तो मुझे तो कोई एतराज नहीं लगता बिकॉज उन लोगों ने बहुत करीब से इस मुल्क की सियासत को देखा है वो उस माहौल में परवान चढ़े इस्टेब्लिशमेंट ने दोनों पार्टीज के साथ जो जो किस किया हुआ है दे नो दैट असल बात तो हमें उन्हें बैरिक्स में वापस भेजने का है ना वो किसी की हिम्मत नहीं है एंड आई एम डिसअपॉइंटेड विद एज वेल एट एंड हो तो वही रहा है जो हो रहा था हाँ, जो कंट्रोल करना चाहते हाँ, कर रहे हैं। वो कर रहे हैं सो so, मुझे लगता है मेरे लाइफ टाइम में तो कुछ चेंज नहीं होगा तो हमें तो बड़ी मोहब्बत है जी सलाइक सलूट <laughs> वो आपकी एक वीडियो पड़ी अच्छी शाहरुख खान के साथ एक वायरल <laughs> हुई थी youtube के अंदर मिलियंस ऑफ व्यूज थे कि शाहरुख खान ने बर्थडे विश किया वो मुझे नहीं थे शाहरुख खान को विश थे तो वो पीछे क्या था उसके इशू oh, क्या था अ कॉमन फ्रेंड हु इज क्लोज फ्रेंड शाहरुख तो उनको पता था मैं शाहरुख की बहुत फैन हूं तो उन्होंने मुझे सरप्राइज के मैसेज भेजा तो आई वॉट लकी फॉरचुनेट मतलब लाइक मिलियन मिलियंस के अंदर से आपको एक चांस मिला वो कहते हैं कि वो क्या शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है <laughs> तो मैंने इतनी उनको इंतहा से चाहा कि आखिर उनका मैसेज आ तो ही आप भी 90s वाले इन्फ्लुएंस के अंदर थी बहुत कोर्स आया हाँ। हमारे जमाने का हमारी जवानी का हीरो तो वही है कैन वी हैव अ रैपिड फायर शो फेवरेट फैन मोमेंट इज देयर एनी बड़ी अजीब सी बात है पर भाई मुझे कह देनी चाहिए कि इमरान खान जब फिलंथ्रपस्ट थे और आ, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन थे उनके ट्रिकेट और बाद में उनके राज खुले हैं ना जब उन्होंने बोलना शुरू किए तो एक दफ़ा मैं आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर अ प्ले एक प्लेन में तो मुझे सीट मिली जहाँ मैं बैठी तो मैंने यूँ करके देखा तो साथ ही इमरान खान बैठे हुए थे तो आई वॉज लाइक ना मैं तो यूँ हो के बैठ गई तो फैन मोमेंट वो था मेरे लिए कि एक बच्ची आई तो उन्होंने पहले उनसे ऑटोग्राफ लिया और साथ ही मुझे देखा ओ आप भी हैं आप भी दें So that was like something that Mirabilia. So I was like, that was one of the fan moments I enjoyed. I mean, if you get a chance to have a dinner with any like famous social or uh, historical personality, who would that be? Christopher Hitchens. Your go to comfort movie that never fails to lift your spirit. A center for Woman. Favorite aspect of being an actor? Fame and some suhuliyat with that. <laughs> Favorite desi dish. Dal chawal. One word for PTI. It's not a political party. PMLN. Middle, right, left, middle. Pakistan People's Party. Progressive. Describe Pakistan in one word. Hmm. Disaster, so far. Thank you so much.